खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को आगे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने 19 छात्रों को निष्कासित करने को लेकर रतिया में हरियाणा छात्र यूनियन के सदस्य भड़के व कॉलेज के आगे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। छात्र यूनियन के नेता रवि कुमार ने बताया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों को जो निष्कासित किया गया है वह हरियाणा में छात्र यूनियन कभी किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द 19 छात्र छात्राओं को निष्कासन वापस नहीं लिया तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। खबर 365 न्यूज के लिए रतिया से अमन सेठी की रिपोर्ट। हरियाणा स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा छात्र यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 19 छात्रों का दाखिला वापस लो। ये मामला ये था कि 33 की 33 के लगातार भूख हड़ताल चल रही है, जो अपनी समस्या थी उनकी कॉलेज के आगे, जो उनकी कैंटीन के अंदर या कोई भी कॉलेज की लोकल समस्या थी उनको लेकर वो कॉलेज के गेट के आगे बैठे थे, लगातार अपना भूख हड़ताल प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बावजूद, उनकी समस्या का हल करने के बावजूद, वहाँ के बीसी ने उन पर अत्याचार किया है, उन पर लाठीचार्ज करवाई है और 19 छात्रों को रेस्टिडेट किया गया है, उनको कॉलेज के बाहर किया गया है। और आज हरियाणा छात्र यूनियन उनकी सपोर्ट करते हुए मांग करता कि जो छात्रों को रेस्टिडेट किया गया उनको दाखिला दोबारा दिया जाए और उनकी जो मांगे हैं जायज मांगों को माना जाए। आगे का हमारा आगे का यही रहेगा कि अगर सरकार उस 19 छात्रों का दोबारा दाखिला नहीं देती तो हम अनेक संगठनों को लामबंद करके एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज़ हरियाणा सरकार के द्वारा पहुँचाने की बात करेंगे।